खाता है ना तुम्हें, पता है ना? नहीं पता तुम्हें? इंस्टाग्राम पे फॉलो कहाँ करते हो तुम? कैसे पता होगा? एमवीवे को तो करते होंगे यार, तब भी नहीं पता तुम्हें? नहीं देखो, मुझे मजा आया, तुम्हें मजा आया, एमवीवे भंटाई को मजा आया और राहुल भाई को भी मजा आया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है एमवीवे ने फिर से मचाएंगे रिमिक्स पे जो हमारा रिएक्शन था उसे अपनी स्टोरी पे शेयर किया, स्वाइप अप डाला। और आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, यूट्यूब पे उस वीडियो पे कमेंट आए, एमवीवे ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया, मुझे सही बताऊं तो खुशी हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उतना ज्यादा कुछ वैसा कुछ बड़ा काम नहीं लगा, क्योंकि क्या है ना, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं थोड़ा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, मतलब वो एक अच्छी बात थी, बड़ी बात थी और एक छोटी बात भी थी, क्योंकि जो मेरे गोल हैं, जो मेरे सपने हैं, उसमें तो वो एक छोटी सी बात है यार। एमवीवे ने स्टोरी में डाला, उसकी भी खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा खुशी पता है मेरे को क्या हुई, जो मतलब मेन खुशी क्या थी, आप लोगों के जो मैसेज थे, कंग्रेचुलेशन भाई, तेरी वीडियो को बंटा ने स्टोरी पे शेयर किया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज थे और मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मुझे पता भी आप लोगों से ही चला, आप लोगों ने मुझे जब बताया तब मैंने एमवीवे बंटा की वो स्टोरी देखी और देखा कि उसने 3-4 रिएक्शंस के स्वाइप अप डाले और साथ में मेरा भी डाल दिया। और पता है क्या होता है, यूट्यूब की जो जर्नी है ना, उसमें मुझे नहीं पता सबके साथ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पे व्यूज आता है, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक जो होता है ना पैसे, मनी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में, और वो जब नहीं होता है तो थोड़ा ना अजीब सी फीलिंग आती है अंदर से, कुछ समझ नहीं आता, कभी लगता सही है गलत है, क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कभी कभार अच्छे उसमें आपकी लाइफ नहीं जा रही होती। तो वैसे ही मेरा भी चल रहा था, यू नो, थोड़ा सा मतलब अजीब सा वो फीलिंग आ रहा था, लेकिन कल जो आप लोगों के मैसेज आए, मतलब सारी टेंशन मेरी हट गई और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मतलब मुझे ये लगा कि चलो कोई नहीं, मैंने इसमें पैसे नहीं कमाए यूट्यूब में, मतलब कमाए हैं, बहुत कम कमाए हैं, तो पैसे मैंने नहीं कमाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बंदे कमाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का मैसेज था मुझे ऐसा लगा यार, मतलब इन लोगों को भी खुशी हो रही है यार, मेरे साथ साथ कोई और लोग हैं जिसको खुशी हो रही है, तो मुझे तो बहुत मजा आया यार। एक तो आप लोगों के दोस्त होते हैं राइट, लेकिन मैं आप लोगों से कोई पर्सनली मिला नहीं हूँ, हम खाली ऐसे वीडियो पर मिला हूँ, मैं कैमरे की इस तरफ रहता हूँ, आप फ़ोन के, आप कंप्यूटर के उस तरफ रहते हो, तो इतना अच्छा मुझे लगा और मुझे लगा कि यार I have achieved something, bro. मैंने चिंता कमाया छोटे, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? And yes, बंटा तक अपना रिएक्शन पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया मेरे को, तो मतलब एक चीज कॉमन हो गई ना यार, बंटा को भी अपना रिएक्शन अच्छा लगा, आप लोगों को भी मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, तो एमवीवे बंटा इज इक्वल टू आप लोग। बाकी बंटा को भी शुक्रिया था कि अपने रिएक्शन को उसने अपनी स्टोरी पे लगाया, और वो भी शुक्रिया अदा करता होगा शायद, क्योंकि उसके गानों पे हम लोग रिएक्शन बनाते हैं तो और लोगों तक वो गाना पहुंचता है, तो एक तरीके से उनका प्रमोशन होता है गानों का, हमारा भी फायदा होता है लेकिन उनका भी फायदा होता है, समझ रहे हो, मतलब उनकी ऑडियंस को थोड़ा और रुचि आता है, उस वजह से उनका ऑडियंस और बढ़ता है, फिर उनको शोज मिलते हैं, शोज पे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना गोल घुमा के सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो बाकी एक चीज और है जिसमें मुझे आप लोगों से राय चाहिए, मैंने एक नया चैनल बनाया था जिसके बारे में आप में से कुछ लोगों को बताया, आपने वो सब्सक्राइब भी किया है, उसमें मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं और उसमें मैंने कुछ रॉ कवर सॉन्ग्स वगैरह भी डाले हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं उन व्लॉग्स को इसी चैनल पर डालूं जिसमें मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे कि ईशान के व्लॉग्स की बनी हुई है, उसमें टैटू वाला व्लॉग आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, आप लोगों को अच्छा भी लगा है, तो मुझे लगता है कि यार वो वाले व्लॉग्स अगर मैं इस चैनल पर डाल दूं तो अच्छा रहेगा, इस पर रिएक्शन चल रहे हैं, साथ में कभी कभार ब्लॉग्स बना दो तो मैं इस चैनल पर डाल देगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और जो दूसरा वाला चैनल है उसमें मैं अपने कवर सॉन्ग्स ही डाला करूँगा आगे जाके, अभी थोड़ा लॉकडाउन जब हटेगा, लॉकडाउन तो हट चुका है लेकिन कोरोना जब थोड़ा हटेगा और थोड़ा सा धन आएगा तो आपको मैं कवर सॉन्ग्स दूंगा, अपने ओरिजिनल लिखे हुए गाने भी उस चैनल पर ही दूंगा, तो उस चैनल का लिंक भी है नीचे, उसमें मैं कवर सॉन्ग्स डाला करूंगा, और सोच रहा हूँ कि उसमें जो व्लॉग्स हैं वो मैं इस चैनल पे डालूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस है और यहीं पे मैं कभी कभार ब्लॉग डाल दूँ तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या बोलते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार, या फिर मैं पोल डाल देता हूँ, चलो मैंने ऊपर पोल डाला है कि ब्लॉग इस चैनल पे हो या नहीं, येस या नो, चूज वाइजली, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ये रिएक्शन वीडियोस, व्लॉग्स, बंटा है अपना वीडियो अपने स्टोरी पे शेयर मार रहा है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जो मेन चीज़ है कोरोना वायरस, वो कैसे जाएगा।
अब पता नहीं अपने को कोरोना कब हो जाए, बचे ना बचे, कब ऊपर पप्पा के घर जाना पड़े, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ आज। आजकल क्या मतलब, कल आया था, आज भी आऊंगा और अब आता रहूंगा। तो आजो, नहीं मेरे घर नहीं, इंस्टाग्राम पे आजो, आजो आजो, अरे आजो यार। ओके, इस वीडियो को छोटा रखते हैं मेरे दोस्त, और मैं आप लोगों से मिलने आया तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सोहल मीर गेन जून, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। आओ गले लगो यार।